सो भाई हेलो यार, तो क्या हाल चाल है? आप सबके स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं रिच पेपर रोल में आने वाली गन के स्किन, और ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और ब्लैक टी शर्ट की जो रिंग इवेंट है, इसका 100% कंफर्म डेट निकल के आ चुका है, जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ब्लैक टी शर्ट की जो रिंग इवेंट है, ये कौन से दिन आप लोगों को कंफर्म में देखने के लिए मिलेगा। और शॉर्ट में मैं आप लोगों को सेली वाले बंडल्स और 7th एनिवर्सरी स्पेशली आने वाले बहुत ही कमाल कमाल के न्यूज बंडल्स है, उसका रिव्यू कराने वाले हैं, जो देख के आप लोग को मजा ही आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, तो चलो टाइम विश करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो देखो आप लोग का जो ब्लैक टी शर्ट है, ये आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिल जाएगा रिंग इवेंट के अंदर में। और व्हाइट टी शर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगी, बस जो ब्लैक टी शर्ट है वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और इस रिंग इवेंट के अंदर में आप लोग का जो क्रिस्टल टीम के जो बंडल्स है मेल और फीमेल का, ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जिसका आप लोग रिव्यू यहाँ पे देख ही सकते हो। जो मेल का और फीमेल का बंडल है वो सेम टू सेम है, और अच्छा खासा मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इस रिंग इवेंट में आप लोग को ये वाले जो ब्लैक टी शर्ट है, ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका रिव्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ब्लैक टी शर्ट के साथ में आप लोग को ये जो देख रहे हो, ये वाले जो ब्लैक टी शर्ट है मानसोरा के थीम में, ये फिर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। तो टोटल इस रिंग इवेंट में 400 आइटम है वो आने वाला है। और इस रिंग इवेंट में आप लोग को रिवॉर्ड्स को एक्सचेंज करने के लिए न्यूज यहाँ पे क्रिस्टल टोकन है, ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और इससे आप लोग जो रिवॉर्ड है इसको एक्सचेंज कर पाओगे। ब्लैक टी शर्ट आप लोग को 300-200 टोकन में एक्सचेंज करने को मिलेगा, और सब बंडल से ही आप लोग को 200 नहीं तो 250 जो टोकन है इसको आप लोग को एक्सचेंज करने को मिल जाएगा। और ये रिंग इवेंट आप लोग को 6 नहीं तो 8 जुलाई को कंफर्म इंडिया सर्वर के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। सो ब्लैक टी शर्ट अगर आप लोग को निकालना है रिंग इवेंट के अंदर से, तो आप लोग 6 जुलाई का वेट कर सकते हो। 6 जुलाई को ये रिंग इवेंट आने वाला, जिसके अंदर से ब्लैक टी शर्ट के साथ में आप लोग जो मानसोरा का ब्लैक टी शर्ट है और जो क्रिस्टल बंडल है उसको भी निकाल पाओगे। और इस रिंग इवेंट में आप लोग को एक आइटम निकालने को 3 से 4 हजार डायमंड लगने वाला है, क्योंकि इस रिंग इवेंट का नाम ही आप लोग देख सकते हो, रेयर कलेक्शन। और रेयर रेयर जो चीज़ है वो आने वाली है। सो आप लोग को ये इवेंट 6 जुलाई को इंडिया सर्वर के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगी। और फिर इसे को इंडिया सर्वर के लिए नेक्स्ट मोबाइल में कंफर्म हो चुका है, जिसके अंदर आप लोग को सो ब्लेड मास्टर वाला परफेक्ट एनिमेशन इमोट है, ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ में पॉसिबल है आप लोग को जो ऐसी बर्थन का पुटफल एनिमेशन इमोट है, ये फिर देखने के लिए मिल सकता है। बाकी ये सो इमोट है पुटफल एनिमेशन इमोट बुलेट वाशर, ये आप लोग को 100% कंफर्म में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये मोकेश्वर का सो डेट है, ये आप लोग को 14 जुलाई नहीं तो आप लोग को 16 जुलाई को ये सो मोकेश्वर है, ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी इंडिया सर्वर के अंदर में। और अपडेट के बाद में आप लोग को ये सो बंडल है, ये आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा। रिटर्न में क्या ही बोल रहे हो, इस बंडल को लॉन्च किया जाएगा, जो बहुत ही पुराना बंडल है। पुराना बंडल लाइक आप लोग को ये बहुत ही अपडेट से पेंडिंग में पड़ा है, तो पुराना बंडल। और इसके साथ में आप लोग को जो प्रांग के स्किन है, स्काईवर्ड के स्किन है, ये आप लोग को देखने के लिए मिल सके। बाकी जो बंडल है वो बहुत ही ज्यादा ओपी है। सो ये बंडल का जो फैट बंडल है, ये आप लोग को अपडेट के बाद में देखने के लिए मिलेगा। इसके रिगार्डिंग जो डेट वगैरह वो अभी तक कंफर्म नहीं हुए, बट आप लोग को ये सब बंडल है, ये आप लोग को आने वाले 45 अपडेट के बाद में इंडिया और फ्री सर्वर के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। और चलो इस समय में आप लोग को दिखाती अपडेट के बाद में आने वाला है सेली बंडल, जो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। पूरा ही सेली वाला जो बंडल है रेड और ब्लैक कलर में आप लोग को देखने के लिए मिल जा रहा है, जिसका हाथ में जो फिश के स्किन जैसा यहाँ पे सो एनिमेशन आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा ओपी लग रहा है। और जो न्यू इफो बंडल आया है कुछ वैसा ही लग रहा है इसका जो स्टाइल है। और बाकी इसका सेड जो खोपड़ी देख सकते हो, साथ में इसका जो यहाँ पे आप लोग ऊपर का जो शर्ट है, शर्ट क्या है ये पूरा यहाँ पे तो क्या ही लग रहा है, सो स्पाइडर मैन के जैसा भी लग रहा है। और बाकी जो बंडल है, बंडल का रिव्यू आप लोग देख सकते हो, जो मेल का बंडल होने वाला है और अपडेट के बाद में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। और इसका जो एनिमेशन और इफेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा ओपी है। सो ये बंडल देख के तो लग रहा है ये लेजेंडरी बंडल है, बाकी ईवो बंडल तो नहीं हो सकता, तो आप लोग को ये लेजेंडरी बंडल ही देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो फीमेल वर्जन है ये भी आप लोग देख सकते हो, फीमेल वर्जन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा लग रहा है, मुझे तो फीमेल का बंडल ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इसका भी हाथ में आप लोग एनिमेशन, हाथ और पैर में आप लोग जो एनिमेशन है वो देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, एकदम ओपी। और सेली थीम में आप लोग को ये जो दोनों बंडल्स है ये आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है अपडेट के बाद में। और फिर कौन से इवेंट के थीम में आएगा वो तो अभी तक मेरे को लीक वगैरह नहीं मिली है, बट किस इवेंट के थीम में आप लोग को जरूर से देखने के लिए मिलेगा वो तो अपडेट के बाद में पता चलेगा, ये कौन से थीम में आने वाला है और कौन से महीने में आएगा। सो
सोया से जलने वाला फंडल है ये आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट में, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ओपी लगा। और फिर आप लोग को 7th एनिवर्सरी स्पेशली ये सो आप लोग फंडल देख रहे हो, ये फिर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा रोबोट वाला सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये फिर पूरा सेली जेली वाला सो फंडल है, ये है चॉकलेट जैसा लग रहा है और इसका जो मुँह है वो भी देख सकते हो पूरा ही चॉकलेट का जैसा जेली का जैसा लग रहा है। और इसका जो ऊपर का है नीचे का है वो पूरा ही मतलब पूरा ही जुड़ा हुआ है, ऊपर नीचे का अलग अलग नहीं है, पूरा ही फुल बंडल है ये। बस आप लोगों को ऊपर का लगाना है और नीचे का लगाना है, तो आप लोग को यहाँ पे इस बंडल के अंदर में दो ही चीज़ देखने के लिए मिलेगी। और बाकी जो बंडल है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा ऊपर लग रहा है और आप लोग इसको मेल में और फीमेल में दोनों में पहना सकते हो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। सो ये बंडल आप लोग को 7th एनिवर्सरी स्पेशली देखने के लिए मिल जाएगा अपडेट के बाद में, जिसको मेल और फीमेल में दोनों में पहना सकते हो। और अपडेट के बाद में आप लोग को ये न्यू गाड़ी की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी, गाड़ी की नहीं बाइक की स्किन है जिसका रिव्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो देखने में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और 7th एनिवर्सरी स्पेशली आप लोग ये जो ट्रैक कर रही है इसका आप लोग को स्किन देखने के लिए मिल जाएगा जिसका रिव्यू आप लोग देख सकते हो क्या ये एनिमेशन और इफेक्ट है फुल्ली यहाँ पे अंदर से भी कलर किया गया है इस गाड़ी की स्किन को जो आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगी 7th एनिवर्सरी के वैन से। और आप लोगों ने यहाँ पे जो ये कार है इसका पूरा ही डिज़ाइन क्या है ये क्या ये मतलब ये कुछ भी कैसा ही लग रहा है इसका जो गाड़ी का चक्का है वो चलेगा ही नहीं। और बाकी जो स्किन है वो ठीक ठाक है। और फिर आप लोग को ये वाले जो गाड़ी की स्किन है ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी कार की, जो पूरा ही इलेक्ट्रिक वाला यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है और एकदम ही ओपी दिख रहा है ये वाली कार की स्किन, पूरा ही जो इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो करेंट टाइप हो रहा है ऐसा। और जो एनिमेशन और इफेक्ट और जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ओपी है और ये वाली गाड़ी की स्किन मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो अपडेट के बाद में आप लोग को ये देखने के लिए मिल जाएगा, फिर आप लोगों को कार की और एक स्किन देखने के लिए मिलेगी सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो आप लोगों को पॉसिबल है अगस्मेंट के पर्पज के अंदर में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जो कार की स्किन है उसका आप लोग रिव्यू देख सकते हो, साथ में जो बाइक की स्किन है इसका भी रिव्यू देख सकते हो। ये भी पूरा इलेक्ट्रिक वाला यहाँ पे एनिमेशन और इफेक्ट आ रहा है जो अच्छा खासा लग रहा है। और ये वाली जो बाइक की स्किन है ये भी फ्री में मिल सकती है। और फिर आप लोग को जीप की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी ये वाली, जो आप लोग को अगस्मेंट के पर्पज के अंदर में बिल्कुल ही फ्री में मिलेगी, जो थीम वाली है और लेजेंडरी क्या ही बोल रही हूँ एनिमेशन इफेक्ट नहीं है। और फिर आप लोग को ये वाली जो गाड़ी की स्किन है ये फिर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। सो ये सारी गाड़ी की स्किन है अपडेट के बाद में आने वाली है, सो आप लोगों को कोई इवेंट के अंदर में देखने के लिए मिलेगा, कुछ फ्री में मिल जाएगा कुछ तो नहीं ज़्यादा फ्री में ही मिलेगा। और अपडेट के बाद में आप लोग को लेक्सवाल के अंदर में आप लोग को ये वाली जो उनकी स्किन देख रहे हो 7th एनिवर्सरी स्पेशली SCAD की, ये आप लोग को वेपनरोल के अंदर में 99% कंफर्म में देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके अंदर का जो एटीफिस है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैक्सिम नंबर पर से आर्मी पेडिशन प्लस है और रिलोड स्पीड माइनस है। और जो गन के स्किन में जो एनिमेशन और इफेक्ट आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ओपी है। और जो इनके स्किन है वो 7th एनिवर्सरी के थीम में है, तो आप लोगों के पास होगी तो आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। और ऊपर से 7 भी लिखा है, तो मुझे तो जो गन का स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो इंडियन सर्वर और बाकी के बाहर के सर्वर में ये वाले जो गन के स्किन है ये आप लोगों को नेक्स्ट वाले जो वेपन वाले उसके अंदर में देखने के लिए मिल सकता है। सो 99% कंफर्म में आप लोग को यही देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो 3 या 4 दिन में पूरा ही ऑफिशियल बैनर आ जाएगा 100% कंफर्म गन के स्किन का, तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी। 1% चांस है कि चेंज हो सकता है, अगर चेंज होता है तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी। बाकी आप लोग को नेक्स्ट फैमिली वेपन रोल के अंदर में यही वाली SCAD इनके स्किन देखने के लिए मिल जाएगा। सो 1 या 2 दिन में आप लोग को 100% कंफर्म पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो ना। तो चलो गाइस, बाय बाय।